नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर नालंदा से है। नालंदा के नूरसराय के बस गोपालपुर में बर्थडे के दौरान 12 साल के बच्चे को अपनी बहन को वीडियो कॉलिंग करके विदेशिया नाच दिखाना महंगा पड़ गया। उसी वक्त हथियार से लैस विदेशिया नाच में मौजूद अपराधियों ने 12 वर्षीय बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि मंगरेला पासवान के घर जन्मदिन की पार्टी थी और इसी पार्टी को लेकर विदेशिया नाच किया जा रहा था। घटना के बाद अब मामला राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। लोजपा के पूर्व प्रत्याशी व प्रवक्ता रामेश्वर प्रसाद उर्फ पप्पू बस गोपालपुर गांव जाकर मृतक बच्चे के परिजनों से मुलाकात की और घटना की जानकारी ली। बता दें कि उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला बढ़ गया है। गोपालपुर बस गोपालपुर ग्राम में एक बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग के दौरान सुनियोजित तरीका से, क्योंकि पहले से भूमि विवाद चल रहा है, एक 12 वर्षीय बच्चा को गोली मार करके हत्या कर दिया। क्योंकि बच्चा बाहर में रहकर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था, होनहार बच्चा था और गरीब परिवार से, क्योंकि इनके फादर बिलोंग करते हैं, इनके फादर चुन्नू पासवान जी हैं जो बेहद गरीब हैं, इनके पास जीविका साधन के लिए भी मुहैया इंतजाम नहीं है। आती बर्थडे का पार्टी मना रहा था और अपना बहन को ये वीडियो कॉलिंग से दिखा रहा था नाच को, उसी दौरान में गोली अपना वो मार दिया। देखा कि कोई है ये नहीं है, उसे मार दिया गोली। किसको मारा? ये मंटू पासवान ने मारा था। ये बच्चा है? ये हाँ बच्चा है, 12-13 साल का बच्चा है। अपना बहन को दिखा रहा था वीडियो कॉलिंग करके, उसी बीच में नाच नाच हो रहा था। तो उसे फायरिंग कर रहा था क्या? हाँ फायरिंग कर रहा था, और सब 3-4 वो था और सब के साथ में पिस्तौल था। गिरफ्तार हुआ है? गिरफ्तार तो अभी नहीं हुआ है।